अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम तीसरी क्लास में पेज नंबर 120 पर व्हाट इज़ इन द मेल बॉक्स इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इंग्लिश में हम आज पढ़ेंगे व्हाट इज़ इन द मेल बॉक्स। Most always when the postman comes with letters 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me. I am going to write some letters though. That is what I am going to do. And then my friends will answer me. And I will get letters too. ये कहता है कि what is in the mailbox? सबसे हम पहले इसमें चंद मुश्किल अल्फाज हैं वो लिखेंगे। mailbox, डाक का संदूक। कहता है कि डाक का संदूक जो है उसको mailbox कहते हैं। इसमें क्या होता है? Always, हमेशा। Postman, डाकिया, खत लाने वाला। Letters, letter, खत, चिट्ठी। Never, कभी कभार। राइट, लिखना। दो, अगरचे। फ्रेंड्स, दोस्त। आंसर, जवाब। टू, बी, टी डब्ल्यू टू, दो। ये कहता है कि हर वक़्त पोस्टमैन चिट्ठियां लेकर आता है, उसमें 2 या 3 चिट्ठियां होती है। दे आर फॉर माई ब्रदर आर माई, दे आर फॉर माई मदर्स आर माई डैड, या तो मेरे पिताजी के नाम पर होती हैं या मेरी माँ के नाम पर होती है। बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजता है, मुझे खत कहीं से नहीं आता है। आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स दो, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं भी चाहता था कि मैं भी कभी खत लिखूं। एंड देन माय फ्रेंड्स विल आंसर मी, और मेरे दोस्त मुझे उस खत का जवाब लिखें। And I will get letters too. मैं मुझे भी खत मिलते। ये कहता है कि ये चिट्ठी जो होती है ये मेल बॉक्स में होती है, और कोई भी किसी को ये खत लिख सकता है,